अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और रेसिपी लेके, क्योंकि सीज़न का फल है स्ट्रॉबेरी। और आज स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी आई हुई है मार्केट में आजकल, तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी मौजूद है यहाँ पे। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम, वो भी अपने स्टाइल से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बॉल देखे स्ट्रॉबेरी भर के ले लिए थे, मैंने धो के साफ रखे रख दिए। अगर आपके पास नरम स्ट्रॉबेरीज भी हो आप वो भी ऐड कर ले, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जूसी जूसी। साथ ही मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरी अलग से रखी है, इसका मैं बना लूँगी पेस्ट। अगर आप चाहें इसे ना मैश कर लें या चाहें तो इसका पेस्ट बना लें। मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी और साथ ही इसके साथ लूँगी ये स्ट्रॉबेरी। इसकी बारी बारी हम चॉप करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरी जैम में जब है ना स्ट्रॉबेरी के लंग्स आते हैं, तो इससे हम ना थोड़े लंग्स के तौर पर ऐड करेंगे कि जब हमारी स्ट्रॉबेरी तैयार हो तो उसमें थोड़े थोड़े स्ट्रॉबेरी के लंग्स आए मुँह में। साथ ही मैंने ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैंने ले ली है, हाफ कप ले ली चीनी। अगर आपको मीठी जैम चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जैम है तो थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। इसके क्रिस्टल ना बनने जैम के, इसलिए इसमें ऐड करेंगे एक लेमन ऐड करेंगे। ये सिर्फ क्रिस्टल ना बनने के लिए ऐड करें, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ही में एक लेंगे, हमारे पास ग्लास का जार पड़ा हुआ है, ये ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे। और एक ज़रूरत पड़ेगी फ्राई पैन की। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया इसका। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं चीनी। ये देखिए मैंने इसे पकाने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। साथ ही अब मैं जो स्ट्रॉबेरी ये वाली है ना, इसकी अब मैं बारीक बारीक चॉप करूँगी। से बारी बारी चॉप कर लेंगे स्ट्रॉबेरी को। बारी बारी करेंगे, ज्यादा बड़े नहीं रखेंगे, सभी मजे चॉप कर लेंगे। चॉप कर ले इस तरीके से। जैसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। अब इसे ऐड कर देंगे लंग्स का स्ट्रॉबेरी जैम के अंदर। अब इसे घुमाते जाएंगे। अब इसे इतना पकाना हमें कि थिक हो जाए, जैम की शक्ल में आ जाए। आप देखिए लिक्विड फॉर्म में आए हुए भी थोड़ी सी जैम की फॉर्म में आ जाएगी, तो इसे हमें पकाना है। इसे दरमियानी आँच में ऐसे पकने रख देंगे और साइड में घुमाते जाएं कि किनारे ना चिपके। देखिए बबल्स बनती जा रही, इस फॉर्म में से पकने के लिए छोड़ देंगे, नहीं देखते रहना कि ये चिपके नहीं। देखिए साइड से घुमाती जा रही, पक रही है। इसमें ऐड कर देंगे हम लेमन जूस, इसे मैं छान लिया। देखिए अब इसकी थिकनेस ही हो गई है, ये मज़ीद और पकेगा। जितनी इसके पक एंड में आपको दिखाऊंगी इसकी कितनी कंटेंसी होती है। बहुत मज़े की बनती है जैम, इसे मज़ीद पकाएंगे हम। ये देखिए इसकी थिकनेस कितना गाढ़ा हो चुका है ये। बस ये रेडी है हमारी स्ट्रॉबेरी जैम। मैं इसे थोड़ा ठंडा करूँगी चूल्हा बंद करके, इसकी स्टीम उड़ाऊँगी। ये देखिए इस तरह से ठंडा कर लें थोड़ा। ये ठंडी हो चुकी है, सब निकाल लेंगे बॉल में। ये मज़ीद और ठंडी होगी।
देख रहे हैं आप धुआं निकल रहा है, ये और ठंडी होगी। थोड़ा प्रेजेंटेशन तैयार कर दीजिए। जी रेडी है मेरे स्टाइल से स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी, हम ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और सीज़न की जो भी फल होते हैं ज़रूर खाना चाहिए, और ये तो सीज़न की वो चीज़ है जो सबको ही बहुत पसंद होती है, वो फल है स्ट्रॉबेरी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, इससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।